चीनी प्रभाव के संतुलन हेतु भारत रूस संबंध विकसित। जब तक सन 1962 की भारत चीन सीमा युद्ध की नतीजों का प्रश्न है, इसके अनेक दूरगामी परिणाम सामने आई। चीन में माओ ने साम्यवादी विकास का जो मॉडल अपने आविष्कार के रूप में सामने रखा था, वह सिर्फ एक विकल्प था। इससे कहीं अधिक आकर्षक विकल्प भारत ने पेश किया था, जिसने अपने विकास के लिए सशस्त्र छापामार युद्ध का नहीं बल्कि शांतिपूर्ण मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला जनतांत्रिक विकल्प चुना था। यही कारण रहा कि चीन के उग्रवादी और विस्तारवादी रवैये के विरुद्ध सोवियत रूस को भारत के प्रति झुकाव बढ़ता चला गया। क्योंकि चीन और रूस के मध्य भी सीमा विवाद था, अतः रूस ने संतुलन के रूप में सहायता हेतु भारत को चुना। रूस भारत मैत्री धीरे धीरे परवान चढ़ने लगी। आज रूस चीन की तुलना में अधिक स्वाभाविक मित्र है, जो हर संकट के समय भारत के साथ खड़ा रहता है। भारत पाक या फिर भारत चीन के मध्य जब कभी तनाव पैदा हुआ, रूस ने हमेशा भारत का साथ दिया। परमाणु ईंधन आपूर्ति तकनीकों का हस्तांतरण और सामरिक साजो सामान की पूर्ति वह लगातार करके भारत को सुदृढ़ सहयोग प्रदान कर रहा है। रस्मि समझौते यह दावा किया जाता रहा है कि सीमा विवाद को विस्फोटक बनने से बचाने के लिए परस्पर दोनों देशों के बीच भरोसा बढ़ाने वाले एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जा सकते हैं, लेकिन चीनी सेना के अधिकारी यह स्पष्ट कह चुके हैं कि ऐसा कोई भी समझौता राजनीतिक फैसला ही समझा जाना चाहिए। राजनयिक रस्म अदायगी जिसका कोई असर जमीनी हकीकत पर या सामरिक समीकरण पर कोई असर नहीं होगा, यह भी न बोले कि चीन की सेना की तुलना भारतीय सेना से नहीं की जा सकती, जो निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के आदेशानुसार काम कर सकती है। चीन की जनमुक्ति सेना और साम्यवादी पार्टी का रिश्ता बहुत घनिष्ठ और जटिल है। उसके नजरिए को वहां की सरकार खारिज नहीं करती है। जल विवाद चीन के साथ भारत के हितों का टकराव सीमा विवाद तक सीमित नहीं है, जल विवाद भी कम विकट नहीं है। चीन की दक्षिण से उत्तर की ओर जल प्रवाहित करने की महत्वाकांक्षी परियोजना जग जाहिर है। ब्रह्मपुत्र जिसे चीन में एक अन्य महाकुंभ की भांति एक बड़ी क्षेत्रीय नदी कहते हैं, ऊंचे पहाड़ों में दैत्याकार बांध निर्माण कर चीन अपनी जल सुरक्षा तो सुनिश्चित कर रहा है। इससे समस्त भारतीय उपमहाद्वीप की जल सुरक्षा तथा पर्यावरण जोखिम में पड़ रही है। इस विषय में भारत को तकनीकी जानकारी देने या उसके साथ परामर्श में चीन परहेज करता है, जिससे तरह तरह की आशंकाएं
उत्पन्न हो चुकी है। भारत इस मुद्दे को कई बार उठा चुका है, लेकिन सिवाय मौखिक आश्वासनों के हमारे हाथ कुछ नहीं लगा। विकास की सोपान पर संबंध भारत में जनता पार्टी की सरकार के 1977 में सत्तारूढ़ होने और चीन में माओतर नेताओं द्वारा बागडोर संभालने के बाद दोनों देशों ने विगत बातों को भूलकर नए सिरे से मधुर संबंध स्थापित करने की दिशा में काफी प्रयास किए हैं। अनेक कूटनीतिक माध्यमों से भारत को पेकिंग से इस बात के संकेत मिले कि वह भारत के साथ संबंध सुधारने का इच्छुक है। सन 1975 में टेबल टेनिस की प्रतियोगिता कोलकाता पश्चिम बंगाल में हुई, जिसमें चीनी खिलाड़ियों ने एक दल ने भाग लिया। जनवरी में एक अन्य टीम के नायक के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय चीनी प्रतिनिधि मंडल भारत आया। इसके बाद व्यापार वाणिज्य प्रतिनिधि मंडलों का दौर हुआ या दौरा हुआ और दोनों देशों के बीच सन 1978 में 1,20,00,000 का व्यापारिक समझौता हुआ। सितंबर में चीन के कृषि वैज्ञानिकों ने भारत यात्रा की और न्यूयॉर्क अमेरिका में विदेश मंत्री वाजपेयी ने चीनी विदेश मंत्री से भेंट की। 1 अक्टूबर को चीन की स्थापना की 29वीं वर्षगांठ पर उपराष्ट्रपति बीडी जत्ती उपस्थित थे। नवंबर में साराभाई के नेतृत्व में भारतीय नृत्य मंडली का चीन में भव्य स्वागत किया गया। 12 फरवरी में प्रारंभ होने वाली अपनी चीनी यात्रा को विदेश मंत्री वाजपेयी ने टोही मिशन की संज्ञा दी थी। विदेश मंत्री वाजपेयी के अनुसार उनकी यात्रा का उद्देश्य लेन देन करना नहीं अपितु यह जानना था कि इतने वर्षों के बिगड़े संबंध के बाद आज चीन में हवा क्या है। इसके बाद भी उससे लेकर आज तक भारत चीन की विभिन्न प्रतिनिधि मंडल लगातार वार्ताएं और विभिन्न समझौते कर वाणिज्यिक व्यापारिक समझौते कर रहे हैं। 1988 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने चीन यात्रा की, जिसने विगत 26 वर्षों से भारत चीन संबंधों पर जमी बर्फ को पिघलाने का काम किया। यह सहमति बनी कि विवादास्पद मुद्दों को एक तरफ रखकर पहले व्यापार वाणिज्य संस्कृति के क्षेत्रों में संबंधों का विस्तार किया जाए और विश्वास बहाल होने के बाद सीमा विवाद को भी सुलझाया जाए। पूर्ण विराम पैरा आर्थिक संबंध आर्थिक रिश्तों के बारे में भी गंभीरता से सोचने की जरूरत है। यह खाता भारत के प्रतिकूल और असंतुलित है। 250 अरब डॉलर के करीब पहुंचा व्यापार लगभग एक तरफा है। इससे चीन का दबाव निरंतर बढ़ता जा रहा है। चीन हमारे लिए नंबर 1 का साझेदार है, परंतु चीन ने हमारा व्यापार 10वें स्थान पर भी नहीं है। यद्यपि यह सही है कि जब सारा विश्व आर्थिक मंदी की चपेट में है, तब हम किसी भी तरह का
जोखिम नहीं उठा सकते और चीन के साथ अपने व्यापार को यथावत जारी रखना देश हित में है।